का काम इन्होंने किया है मुकदमा लिखने में। एक नंबर का काम इन्होंने किया बांदा से बलिया तक गंगा जी में इनके शासन में लाशें जो बही हैं, एक नंबर का काम वो हुआ है। हिंदू धर्म की रीति रिवाज के खिलाफ जेसीबी से खोद करके हिंदू की लाशें प्रयागराज में दफनवाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में एक नंबर हुआ है। ये काम इनका दिखता है धरातल पे। कहते हैं राजनीति में स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त शायद ना के बराबर होता है, तो आप इस कथन से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना समर्थन है, या ये कथन गलत है आपके हिसाब से? नहीं, कथन तो जिसके लिए सही होता है उसके लिए तो सही है। हमारे लिए 2022 और 2024 का चुनाव, हमने जो बीड़ा उठाया है, आप लोगों से भी बार बार मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैं जिन मुद्दों को लेकर उनके पास गया था, जातिवार, पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना, 33% महिलाओं को आरक्षण, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तो इसको लागू करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात करते हैं, ये घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं, निःशुल्क रोज स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं वोट लेना होता है, यूज एंड थ्रो। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी ये हो गई कि उपयोग करना है तो बहुत हम सब बात मान लेंगे। अब संजय निषाद को देखिए, आरक्षण के नाम पर ले गए, अब आरक्षण को देना नहीं है, अब उनको वोट रहे तो घुमा फिरा रहे हैं। तो ये सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। अब हम किस मुद्दे पे उनके साथ जाएंगे जब ये सारी चीज़ें वो करने को तैयार नहीं। उन्होंने 2017 में हमसे खुद कहा कि आप लोग मेहनत करो, हम पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बनाते बनाते उसको भी नहीं कर पाए, तो किस आधार पर जाए इनके साथ? समाज का हित कैसे हो? हिस्सेदारी भी देने को तैयार नहीं। और ये कहते हैं कि प्रदेश बहुत खुशहाल है, कोई थाना ऐसा नहीं कि जहां 20,000-25,000 रुपया लेने के बाद काम कर रहे हों, हर विभाग में भ्रष्टाचार। अपने बनारस में ही देखिए, प्रधानमंत्री जी शाम को उद्घाटन करते हैं, सुबह गिर जाता है वो छत। आपने ओवर ब्रिज पुल बन रहा था, देखा है आपने कि पुल गिर गया, क्या हुआ उसमें, कितने लोग मर गए, कोई जाँच हुई, कुछ हुआ उसमें? तो किस आधार पर इनके साथ हम लोग जाएंगे? इस नाते उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा है। बातचीत क्या हुई स्वतंत्रदेव जी से? बातचीत क्या हुई? देखिए, हम उनके यहाँ शिष्टाचार मुलाकात में जाते हैं, वो खिलाते पिलाते बहुत सही हैं, चाय पिए उनका और नाश्ता भी उनके यहाँ किया। उसके बाद हम लोगों की जो बातें चीते हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी पार्टी का क्या चल रहा है, तो हमने सारी बात बताया, तो उनकी पार्टी का भी हमने पूछा तो उन्होंने भी बताया, तो उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा। हम के भाई देखो, हम तो कह चुके हैं कि आपकी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। कहा भाई तो आप स्वतंत्र हैं, उसमें कौन जबरी दुखी नहीं जा सकती है। वैसे उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि भाई आप आ जाते तो हमारी सरकार बन जाती। तो हमने कहा हम खाली सरकार वह बनवाएंगे, 14 साल तो सत्ता से बाहर आप थे, कोई आपको नहीं मिला, तब ओम प्रकाश राजभर मिले, अनुप्रिया पटेल जी मिली, तो आपकी सरकार बन गई, तो 325 सीट जीत गए, तो अब आपको तो हो गया कि हम अपने दम पर जीत गए, तब ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब नहीं, अनुप्रिया जी का कोई मतलब नहीं। तो अब जब फिर चुनाव का समय आया है तो अनुप्रिया जी याद आ रही हैं, 2 साल तो आपने उनको मंत्री तक नहीं बनाया, जब चुनाव आ गया तो मंत्री बना के दिखा रहे हैं कि हमने मंत्री बना दिए। अब ओम प्रकाश राजभर तो जब देख लिया कि आप लोग कुछ करने वाले नहीं हो तो समय रहते हमने छोड़ करके हम चले आए, तो अब भैया आपके साथ आना मुश्किल। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आग्रह किया आपसे कि आप आ जाते। हाँ भाई, कौन नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी कौन नेता ऐसा है, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेकर सारे लोग तो परेशान हैं कि बिना ओम प्रकाश के पूर्वांचल कहाँ हम पता कर सकेंगे। आपने एक अपील भी की महिला सम्मेलन में ही कि जहाँ बीजेपी के नेता दिख जाए उनको पीटो, और फिर वहाँ पे एक मुलाकात भी हुई, ये क्या, ये दोनों चीज़ें कहाँ जुड़ती हैं? मुलाकात तो हम तो करें स्वतंत्र देव जी से, शिष्टाचार मुलाकात हमारी, और पॉलिटिकल तो नेता तो मिलते रहते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेसी नेता मिलते हैं। आज देखिए मोदी जी पूरा पानी पी पी के कांग्रेस को कोसते हैं ना, नेहरू जी को, और ये नारा दिए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, पूरे कांग्रेसी 90% सब भाजपा में घुस गए, अब क्या कहेंगे? तो नेता वो तो घुसा लिए अंदर अपने पार्टी में, तो एक नेता दूसरे नेता सपना मिलते रहते हैं, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता बेचारे हैं आपस में लड़ते हैं, लड़ते करते मरते हैं, और वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सब मिलते हैं, बड़े नेता दूसरे नेता से मिलते रहते हैं, संभावनाएं तलाशी जाती,
वो अपना मिलते हैं, जो अपना सबका अलग अलग थ्योरी है, सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग काम है, तो लोग मिलते हैं। बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के इंतजामों पर जो प्रशासनिक इंतजाम है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है जिस तरह से बाढ़ के इंतजाम किए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये जब आग लगती है तब ये आग बुताने का हथियार जुटाते हैं। अप्रैल मई जून का महीना था, ये चिन्हित है कि इन इलाकों में बाढ़ का प्रकोप या नदी का कटान होता है, तो ये तीन महीने में जब वो ठोकर, नदियों के किनारे जो ठोकर बनते हैं, अगर वो बनाए होते तो आज कटान नहीं होती। ये समय रहते उसका इंतजाम नहीं करते। और उदाहरण आप देख लीजिए, बाढ़ के साथ साथ जब कोरोना से जूझ रहे थे लोग, तो ये लोग तो वोट के जुगाड़ में थे। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चार महीने से खाली उत्तर प्रदेश में वोट कैसे मिले इसके जुगाड़ में है, बाढ़ से कैसे निपटा जाए इसकी चिंता नहीं है। वो तो जो सिस्टम बना हुआ है, जो विभाग बना है, और उन्हीं को लगा देते हैं कि जाओ तुम उसमें देखो, और चिल्लाते रहते हैं कि हम सब व्यवस्था कर लिए हैं। आज लोग, हम आप लोगों के चैनलों पर देख रहे हैं कि लोग घर गांव छोड़ करके गांव डूब रहे हैं, लोग सड़क के किनारे आकर के अपना तिरपाल डाल हैं, उनको राशन की जरूरत है, उनको भोजन कैसे व्यवस्थित रह सकें, दवाई की जरूरत है, उसकी चिंता नहीं। इनकी बैठकें हो रही हैं, दिल्ली हो रही, लखनऊ हो रही हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब खाली वोट के जुगाड़ में हैं, बाढ़ के जुगाड़ में नहीं है कि बाढ़ से कैसे निजात दिलाई जाए, इसकी चिंता नहीं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों से? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका, अब फिर मैं बता रहा हूँ। इस देश में अंग्रेजों का शासन था, एक ब्राह्मण की हत्या हुई और पूरे देश से अंग्रेज चला गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है और 17 साल के निर्दोष ब्राह्मण की हत्या हुई है, तो ये ऐसी घटनाएं जो हुई हैं उसकी सजा बीजेपी को मिलेगी। एक चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, कौरवों का सर्वनाश हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ये राम राज कहते हैं, तीन तीन चीरहरण हुआ है। तो जब एक चीरहरण से कौरवों का नाश हो गया तो तीन हुआ है, तो पूरी भाजपा का सर्वनाश होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता। अभी ब्राह्मणों का सम्मेलन करेंगे क्या? नहीं, वो तो हमारे साथ आइए हैं, अभी देखा आपने ना, ये अभी गए हैं, डॉक्टर संतोष पांडे थे, दुबे जी थे, तिवारी जी थे, संयम, हमारे यहाँ तो कम से कम कई हजार ब्राह्मण एकदम झंडा डंडा लेके टाइट हैं, कि कई नेता तो है जो सही बात बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर हैं, विकास को तो मरवा दिए, इनकाउंटर कर दिए, विकास कहाँ जिंदा है। ओम प्रकाश जी, एक चीज़, ये आखिरी सवाल है मेरा, आप बता रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आपको आमंत्रण दिया कि आप पार्टी में आ जाए आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन, तो आप बताइए क्या आपका निर्णय, क्या इस पर कहीं विचार किया जा सकता है या नहीं, या कोई संभावना नहीं? बीजेपी के साथ कोई विचार नहीं, उनके साथ चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, नहीं इरादा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा है हमारे लिए, सपा बसपा कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, भाजपा के लिए दरवाजे बंद हैं, किसी भी कीमत, किसी भी कीमत। तो भाजपा नेता